नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित रंजन। वर्चस्व में एक और दास्तान, यानी कह लीजिए एक और कहानी मैं आपके बीच लेकर आया। वैसे तो वर्चस्व की इस कहानी में दो किरदार हैं जिन दोनों ही किरदारों पर चर्चा होगी, इसलिए क्योंकि अदावत की ये जंग इतनी आगे बढ़ जाती है कि इन दोनों में से किसी एक किरदार को आप भूल नहीं सकते। हालांकि इन दोनों ही किरदारों के बारे में जितना बताया जाए, जराइम की दुनिया से लेकर सफेद पोश लिबास तक की इन्होंने उस सफर को तय किया है। इसलिए दरअसल सत्ता में किस तरह से आना है और बंदूक के सहारे बैलेट पर किस तरह से कब्जा करना है, इन दोनों ही शख्सियतों की पहचान रही। इनमें से एक के बारे में मैंने आपको बताया था, लेकिन आज उस दूसरे किरदार के बारे में आपको करीब से मैं बताऊंगा, जिसको आप जानेंगे, जिसको आप समझेंगे कि सही मायने में दरअसल बिहार में बुलेट के दम पे बैलेट से बैलेट पर किस तरह से कब्जा किया गया और किस तरह से सत्ता पर अपने धमक को, अपनी ताकत को, अपनी अदावत को, अपनी पहचान को मजबूती से रखा गया। तो ये सारा किरदार दरअसल सिर्फ उसी एक शख्स पर तय होता है। दरअसल वर्चस्व की इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार के पटना जिले के गंगा किनारे बसे मोकामा से। मोकामा की धरती के बारे में कहा जाता है कि यह धरती खून मांगती है, यानी रक्त रंजित चरित्र इस धरती में बसा हुआ है। और यहां पर जिस किरदार की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसकी कहानी तक पहुंचने के लिए एक शख्स को आपको जानना बहुत जरूरी है। नाम श्याम सुंदर सिंह धीरज, ये उस वक्त कांग्रेस के विधायक। दरअसल बुलेट के दम पर किस तरह से बैलेट पर कब्जा किया जाए, ये फॉर्मूला इजाद करने वाले इन्हें ही कहा जाता है। और इनका एक गुर्गा हुआ करता था दिलीप सिंह, जो दरअसल सत्ता के शिखर तक पहुंचाने के लिए सारे हथकंडों का इस्तेमाल अगर कोई करता था तो वो था इसका खास गुर्गा दिलीप सिंह। दिलीप सिंह वो था जो असले के दम पर वोट को अपने नाम कर लेता था। और इस तरह से सत्ता में एक मजबूत शख्सियत के तौर पर श्याम सुंदर सिंह धीरज अपनी पहचान बनाता था। लेकिन महत्वाकांक्षा हावी हुई। वर्चस्व की कहानी भी तो कुछ ऐसी ही होती है। यहाँ पे हर एक किरदार दरअसल सिर्फ और सिर्फ अपने वर्चस्व के बारे में सोचता है। कुछ ऐसा ही हुआ दिलीप सिंह के बारे में। दिलीप सिंह अपने रास्ते को अलग कर लेता है। दिलीप सिंह को लालू यादव का साथ मिल जाता है और दिलीप सिंह खुद नेता बन जाता है। अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ अब वो भी सियासी सफर पर निकल चुका था। और श्याम सुंदर सिंह धीरज को दरअसल इस खाली जगह को भरना था, क्योंकि उसे एक ऐसा शख्स चाहिए था जो दिलीप सिंह के किरदार को निभा सके और सत्ता में उसके उस ठसक को बरकरार रख सके। ऐसे में उसकी नजर पड़ती है दिलीप सिंह के लिए ही काम करने वाले एक शख्स के ऊपर, जो रंगदारी मांगने में या फिर कह लीजिए किसी भी तरह के अपराध को अंजाम देने में या अपने आप को एक रंगबाज की छवि में ढालने में पूरी तरह से मशगूल था। वो बस अपने आप को रंगबाजों की श्रेणी में शायद सबसे ऊपर रखना चाहता था। और यहीं से उस शख्स को एक अलग पहचान मिलनी शुरू हुई। ये और कोई नहीं था, ये था सूरज भान सिंह, जिसको श्याम सुंदर सिंह धीरज ने अपने टीम में शामिल किया। और अब सूरज भान खुलेआम अपने मंसूबों को अंजाम देता था। हत्या करना या कराना दरअसल सूरज भान के लिए अब कोई बड़ी बात नहीं रही थी। सत्ता में उसकी एक अलग पहचान भी बन चुकी थी। ठसक यहां से और भी ज्यादा बड़ी होती गई। सच्चाई यह है कि अब दरअसल अदावत की इस जंग में जो बड़ी चुनौती थी वो दिलीप सिंह को मिलने लगी थी। और दिलीप सिंह को यह चुनौती देने वाला कोई और नहीं था, खुद सूरज भान था। हालांकि दिलीप सिंह और सूरज भान के बीच में अदावत की जंग किस रूप में पहुंचती है और किस शख्स की फिर एंट्री होती है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊं। लेकिन ये जान लीजिए कि सूरज भान सिंह का कद बढ़ता चला गया और श्याम सुंदर सिंह धीरज कहीं ना कहीं पीछे छूटता गया। सूरज भान धीरे धीरे जराइम की दुनिया में वो नाम हो गया जिसे बिहार में एक बाहुबली के तौर पर जाना जाने लगा। किसी भी घटना को अंजाम देने में शायद इसे बिल्कुल भी गुरेज नहीं था। और उस वक्त बिहार का एक बाहुबली डॉन था अशोक सम्राट।
उस वक्त बिहार का एक बाहुबली डॉन था अशोक सम्राट। उस अशोक सम्राट को भी अब सीधी चुनौती अगर किसी से मिल रही थी तो वो था सूरज भान सिंह। ऐसे में अशोक सम्राट ने सूरज भान सिंह को मारने की कोशिश भी की, लेकिन सूरज भान सिंह बच जाता है। हालांकि अशोक सम्राट के मरने के बाद, यानी अपने सबसे बड़े दुश्मन की मौत के बाद, सूरज भान सिंह को ऐसा लगता है कि अब उसके रास्ते में कोई कांटा नहीं है और अब जिस दुनिया में, जिस जराइम की दुनिया में वो अपनी पहचान बनाने को लगातार मशक्कत कर रहा था, वहां से अब उसे किसी तरह की कोई चुनौती नहीं मिलने वाली और यहां से सूरज भान सिंह दरअसल और आगे की ओर बढ़ता है। इस बीच दरअसल सूरज भान सिंह के एक करीबी, एक रिश्तेदार का कत्ल हो जाता है और कत्ल करने वाला कोई और नहीं, दिलीप सिंह का ही गुर्गा था। यानी दिलीप सिंह गैंग ने सीधे तौर पर सूरज भान सिंह के खेमे में अब हमला कर दिया था। ये लड़ाई अब आगे चलने लगी। इस बीच में एक खबर आती है कि दिलीप सिंह को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब एक नए किरदार की एंट्री होती है जिसने दरअसल 9 साल की उम्र में ही वैराग्य के जीवन को अपना लिया था। वो अब अपनी भाई की मौत की खबर को सुनने के बाद वापस आता है भाई के मौत का बदला लेने के लिए। और यहां से अदावत की जंग दरअसल दो बड़े चेहरों के बीच शुरू होती है और वर्चस्व की कहानी यहां से आगे बढ़ती है। अब एक नए किरदार की एंट्री हो चुकी थी सूरज भान सिंह को अब सीधी चुनौती देने के लिए। नाम था अनंत सिंह और साल 2000 में दरअसल ये अदावत की जंग और आगे बढ़ती है। सूरज भान की जो उम्मीदें थी, सूरज भान की जो हसरत की बात हम कर रहे हैं, वो अब बड़ी होने लगी थी। सूरज भान जो अब तक हथियारों के मामले में शायद किसी को भी चुनौती दे सकता था, जिसका कोई सानी नहीं था, जिसका दबदबा था, जिसका रुतबा था, जिसके लिए कत्ल करना या फिर कत्ल कराना कोई बड़ी चीज नहीं थी, वो सूरज भान अब दरअसल सियासी अखाड़े में उतरना चाहता था। और इसी सिलसिले में सबसे पहले वो निर्दलीय ही बिहार विधानसभा चुनाव में अपने आप को उम्मीदवार के तौर पर उतारता है। उसे पता था कि बंदूक का दम क्या होता है, उसे पता था कि बैलेट पर कब्जा कैसे हो सकता है, उसे पता था कि सत्ता में अपने आप को बनाए रखने के लिए डर के सहारे किस तरह से आप बैलेट के पावर को भी छोटा कर सकते हैं, और बिहार में सही मायने में बंदूक से बैलेट पर किस तरह से कब्जा किया जाए, इसकी अगर वानगी किसी ने पेश की तो वो खुद सूरज भान हुआ करता था। सूरज भान विधानसभा चुनाव में उतरता है और विधानसभा चुनाव में सूरज भान दरअसल बड़े मार्जिन के साथ जीत जाता है। यानी जो सामने कई पार्टी के चेहरे थे, उन चेहरों को सूरज भान नस्तो नाबूद कर देता है और ये बड़े मार्जिन के साथ मिली जीत ने सूरज भान को दरअसल सफेद लिबास में ला दिया था। यानी कल का वो डॉन, कल का वो गुंडा, कल का वो असलाधारी सुरजा अब सूरज भान बन चुका था, सूरज भान सिंह बन चुका था। यानी बाहुबली सूरज भान सिंह, विधायक सूरज भान सिंह। खैर, इस बीच में दरअसल सूरज भान को चुनौती देने की तैयारी में अनंत सिंह लगातार अपने दबदबे को भी बढ़ा जा रहा था और अनंत सिंह कोशिशों में भी था कि सूरज भान के खेमे को कैसे कमजोर किया जाए। सियासी रसूख भी उसका इस्तेमाल कर रहे थे। यानी अनंत सिंह को यह पता था कि उसके पास ताकत है तो सियासत का साथ भी उसके साथ आएगा। लेकिन इस बीच कहानी थोड़ी सी और आगे बढ़ती है। साल 2004 में सूरज भान सिंह की हसरत और परवान चढ़ती है। अब वो विधायक से सांसद बनना चाहता था और साल 2004 में बलिया से इस बार लोकसभा में वो चाहता है कि अपनी किस्मत को आजमाया जाए। और उसका कद इतना बड़ा हो चुका था, उसका रसूख इतना बड़ा हो चुका था कि शायद लोकसभा में जब उसने कदम रखा, लोकसभा चुनाव के लिए जब उसने कदम रखा तो उसे रोकने वाला कोई नहीं था। और बड़ी जीत के साथ वो सूरज भान सिंह
विधायक से अब सांसद बन चुका था, यानी अब वो दिल्ली पहुंच चुका था। सफेद लिबास में अब वो दिल्ली पहुंच चुका था, जिसके आस्तीन में खून के छींटे थे, लेकिन वो अब संसद पहुंच चुका था। सूरज भान का कद बढ़ता गया। दूसरी तरफ अदावत की उस जंग में अनंत लगातार चुनौतियां दे रहा था। वो हमेशा सूरज भान के लिए नए नए तरीके से बड़ी चुनौतियां खड़ा कर रहा था। इस बीच सूरज भान सिंह लोक जनशक्ति पार्टी से संसद में पहुंच चुका था। अब सत्ता के करीब सूरज भान था, और ऐसे में अपने चुनौती देने वाले उस दुश्मन को सूरज भान किसी भी हाल में बख्शना नहीं चाहता था। और इसलिए एक खबर भी आती है कि अनंत सिंह के घर पर एसटीएफ ने छापा मारा। इसे सीधे तौर पर यह देखा गया कि अनंत सिंह के ऊपर दरअसल सरकारी दबाव काम आ रहा था, यानी सूरज भान सिंह से जो उसकी अदावत थी और सूरज भान सिंह का बढ़ता हुआ कद, सियासी कद, अब अनंत सिंह के लिए चुनौतियां बढ़ाता जा रहा था। अनंत सिंह को पता था कि वो जख्मी हो चुका है, लेकिन ये जान लीजिए, घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है, और वो पलटवार की तैयारी में अनंत सिंह भी था। ऐसे में अनंत सिंह ने अब तय किया कि दरअसल सूरज भान के उस कुनबे पर वार किया जाए जहां से उसने अपने दबदबे को कायम किया है। और अब अनंत सिंह मोकामा से, जो सूरज भान सिंह का गढ़ कहा जाता है, वहां से विधायकी के चुनाव में उतरता है, और इस बार उसे साथ मिलता है लालू यादव का, और अनंत सिंह को बड़ी जीत मिलती है। ये जीत कहीं ना कहीं जितने बड़े एक बूस्टर डोज की तरह अनंत सिंह के लिए था, उससे कहीं ज्यादा बड़ा झटका ये सूरज भान सिंह के लिए था। और यहां से सूरज भान सिंह की चुनौतियां भी बढ़ने लगी, क्योंकि अनंत सिंह भी अब सत्ता के करीब पहुंचने लगा था। बहरहाल, कल का सूटर सुरजा आज का बाहुबली सूरज भान सिंह बन चुका था, लेकिन जरायम की दुनिया से उसने अपने रिश्ते को खत्म नहीं किया। वो दबदबा आज भी बना के रख रखा था, और वो रिश्ता उसका आज भी कायम था। इस बीच में तस्वीर बदलती है। तस्वीर इसलिए बदलती है क्योंकि एक हत्या के मामले में सूरज भान सिंह को अदालत दोषी मानती है और आजीवन कारावास का सजा सुना देती है। सूरज भान सिंह अब सलाखों के पीछे था। ऐसे में अब यह सोचना था कि सूरज भान के करियर का क्या होगा, उसके आगे की कहानी कैसे तैयार होगी। लेकिन यह जान लीजिए कि वो जेल के अंदर रह के भी अपनी सरकार चला रहा था। जेल के बाहर उसकी सरकार चल रही थी। उसकी दुनिया, जो उसकी एक कारोबार की तरह बन चुकी थी, वो अभी भी जस का तस चल रही थी। दूसरी तरफ अब अनंत सिंह और भी ज्यादा करीब होता जा रहा था सत्ता के, क्योंकि नीतीश कुमार ने अब अनंत सिंह को अपने साथ जोड़ लिया था, और अनंत सिंह के गुनाहों पे पर्दा डालते हुए नीतीश कुमार ने एक बार फिर से अनंत सिंह को टिकट दे दिया, उस जगह से जिसे कहा जाता था कि ये सूरज भान सिंह का गढ़ है। इस गढ़ में दरअसल सेंधमारी हो रही थी, और अनंत सिंह ने अपने बल को दिखाया और एक बार फिर से जीत दर्ज कर दी। दूसरी तरफ सूरज भान सिंह के लिए चुनौती बड़ी हो गई, क्योंकि एक सजा याफ्ता कैदी होने की वजह से अब वो सीधे चुनावी मैदान में नहीं आ सकता था। लेकिन सूरज भान सिंह को यह अच्छे से पता था बात कि उसका दम, उसका रसूख, उसका बाहुबल आज भी काम कर रहा है। इसलिए उसने अपनी पत्नी वीना देवी को ही चुनावी मैदान में उतारने की ठान ली। सूरज भान सिंह की पत्नी बेशक राजनीति के मामले में कुछ भी नहीं जानती थी, वो शून्य थी इस पहलू पर, लेकिन सूरज भान सिंह की पहचान, सूरज भान सिंह की अदावत, सूरज भान सिंह का वर्चस्व उसके काम आया, और ये जीत एक बार फिर से सूरज भान की होती है, यानी अपनी पत्नी के रूप में उसने जीत हासिल कर ली। लेकिन सत्ता का समीकरण बदलने लगा, और 2015 में दरअसल ये रसूख जो है कुछ और कहने लगा। 2019 आते आते हालांकि मुंगेर अब गढ़ हो चुका था सूरज भान का, लेकिन सियासी समीकरण बदल रहा था। किसी पार्टी के अलायंस होने के नाते
जिस जगह पे सूरजभान चुनाव लड़ता था वो किसी और के खेमे में चला जाए, किसी और के खाते में चला गया, इस वजह से सियासत की तस्वीर बदलने लगी। उधर अनंत सिंह चार बार लगातार विधायक बन चुका था, यानी उसका परचम भी लहरा रहा था। लेकिन अनंत सिंह को एक बार फिर से शिकस्त मिलती है जब अनंत सिंह अपनी पत्नी को मुंगेर लोकसभा सीट से खड़ा करता है और वहां से ललन सिंह की जीत हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ साल 2019 में सूरजभान सिंह नवादा सीट से अपने भाई को एक बार टिकट दिलवाने में सफल हो जाता है और उसके भाई ने भी बड़ी जीत हासिल कर ली। यानी सूरजभान सिंह, यानी जिस वर्चस्व के किरदार के बारे में मैं आपको बता रहा, बिहार के उस बाहुबली के बारे में, ये जान लीजिए कि ठसक उस शख्सियत की कभी कम नहीं हुई। हाथ में लोहा लेकर दूसरों को धमकाने वाला, दूसरों की जिंदगी और दूसरों की सांसों का हिसाब रखने वाला सूरजभान जब राजनीतिक गलियारे में आता है तो उसका कद वहां भी उतना ही बड़ा रहता है। और धीरे धीरे जब उसके ऊपर बंदिशें आती हैं, उसको ऐसा लगता है कि उसकी सियासी जमीन पर अब ग्रहण लगने वाला है, तो वो अपनी पत्नी तो कभी अपने भाई के सहारे भी राजनीतिक बिसात में चाले चलता रहता है। और सूरजभान सिंह का कद आज भी बिहार में एक बाहुबली के तौर पर है। हाँ, ये अलग बात है कि अदावत की ये जंग सूरजभान सिंह और अनंत सिंह के बीच में अभी भी जारी है। तो वर्चस्व में अभी के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए किरदार के कहानी के साथ। अपना ख्याल रखें।